डेमोक्रेसी में भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी का स्वागत है। हम उनसे उनके बारे में और उनकी भजन यात्रा के बारे में बात करते हैं। आइए आप भी जानिए गोविंद भार्गव जी। नमस्कार गोविंद जी, आपका नाम मैं गोविंद है और आज गोविंद का जन्म दिन भी है, आपको कोटि कोटि बधाई है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा था कि जो भजन का क्षेत्र है इसमें आप एक उदीयमान क्या आप स्थापित नक्षत्र हैं, ये आपने भजन यात्रा कब से शुरू की और प्रेरणा कहाँ से? कहते सर्वप्रथम गुरु होती है माँ। तो मैं 65 साल की उम्र में और जब बचपन में मेरी माँ बहुत सुंदर भजन गाती थी, प्रोफेशनल नहीं थी, घर में जैसे स्त्रियाँ भजन गाती हैं और बहुत भक्त थी, तो उन्होंने मेरे को भजन सिखाया। तो जब मैं 5-6 साल का हूँगा तब प्रथम बार बरसाना में लाठीदास जी के आश्रम में छोटा सा बालक माइक लेके गा रहा था और सब लोग सुन रहे थे, सैकड़ों की भीड़ थी, उस समय बहुत भीड़ नहीं होती थी लेकिन बड़ा आनंद का विषय था। तो तब से यात्रा हमारी चालू हो गई और आज तक और मेरे ख्याल से अंत तक मैं भजन गाता रहा। ये श्री अंत नहीं है, संपूर्णता है, आप तो ऐसे जीवन के अंत तक श्री जी से यही प्रार्थना है कि भजन गाते गाते ही श्री जी के धाम। अच्छा, भगवान भगवत भजन जो है वो एक तरह की भक्ति है, आप अपने भजनों के द्वारा जो श्रोता लोग होते हैं जिससे एक संवाद स्थापित करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा क्षण भी आया है कि ऐसा लगा हो कि आपका भगवान से साक्षात्कार हो रहा है या उनसे आपकी कुछ एक दूर? दासी बातें प्रेम की कहन सुनन की नाही, दासी बातें प्रेम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने नहीं। तो ये अनुभूतियां जीवन में कभी होती है करती, ये सबके बीच में बात करने वाला विषय नहीं है। तो और आप भजन में आध्यात्म और भजन में क्या आप युक्ति समझते हैं? जैसे एक आदमी कहते हैं कि हम एकांत में बैठ के बात करें, भोजन भजन और व्यायाम बोलते हैं कि एकांत की चीज, लेकिन आप तो पूरे पंडाल में भरे हुए और पब्लिक के बीच में भजन गाते हैं। भजन एक अलग चीज हो गई, संगीतन अलग हो गया, भजन गाना अलग हो गया। भजन भजनानंदी संत होते हैं, आज ब्रज में हजारों ऐसे संत हैं जो सामने आते ही नहीं है और 24 घंटे भजन करते हैं। भजन माने गाना नहीं है, भजन भजन माने ठाकुर का भजन करना है, ठाकुर को रिझाना है, ठाकुर का नाम जप करना है, वो भजन करते हैं। अभी भी यहाँ पे ऐसे राधाकुंड में और बंसीगट में इधर उधर ऐसे कुटिया में जो 23-23 घंटे कुटिया में, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं जहाँ हम लोग 1 घंटे नहीं बैठ सकते और वो 23-23 घंटे ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, वो असली भजन है। फ्रेंकली आपको बताएं कि जो ये सब है जो लोग करते हैं ये सब एक तरह का दिखावा कह लें, जो असली भजन है ये हम लोग भजन गाते हैं ठाकुर जी के आनंद के लिए, संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन से बढ़ के आनंद कहीं है नहीं। तो संकीर्तन ठाकुर जी को राग बहुत पसंद है तो इसलिए ठाकुर जी को भजन के द्वारा रिझाने में सबसे आसान है, इसलिए हम लोग बजाते हैं। अच्छा, भजन को आप अभी से तो दौड़ते ही हैं जी, तो आप देखते हैं ये आपने अकेले स्टार्ट किया या किसी के साथ पहले बात करते थे या कैसे आप मंच? नहीं, इनफैक्ट मेरे पहले मैं कानपुर रहता था, 8 साल से वृंदावन रहता हूँ, तो कानपुर में हम लोग राधा अष्टमी का उत्सव होता था छठी, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बंगले में होता था तो 700-800 हजार आदमी आता था और बाहर से भी आते थे बहुत से लोग और बड़ा आनंद का विषय होता था। तो मेरी माँ बाबू जी सब लोग थे, सत्संग के बहुत सारे लोग थे, सब करते थे। फिर कभी संस्कार वालों को किसी ने कह दिया, वो लोग आ गए तो जो दिखता है सो दिखता है, तो वो संस्कार चैनल में आने लगा प्रोग्राम और उसके बाद से बस जगह जगह भजन। हमारे गुरु महाराज की आज्ञा थी खूब नाम संकीर्तन करो, खूब नाम प्रचार, तो उन्हीं महाराज की आज्ञा से। आपका कोई पसंदीदा भजन जो अब तक का आपको लगा हो कि मेरा ये सबसे प्रिय भजन है? बहुत सारे भजन हैं, भजन एक ही भजन, एक ही भजन हजार बार गाया होगा तो हजार बार अलग अलग आनंद आता है और कोई सब जिसमें ठाकुर जी का नाम है वो सर्वोपरि, कोई भी भजन जिसमें ठाकुर जी का नाम है वो सर्वोपरि। जैसे हमने सुना बड़ा भाव विभोर होके गाते हैं, लाड़ी इतना तो खींचो वो बरसानों को बात किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो
की जो जब जंजाल छुड़ाए वास बरसाए। आज के माहौल में आप भजन को कहाँ पाते हैं? भजन का जो ये जितने लोग हैं भजन के क्षेत्र में सभी लोग भाग लोगों के गाते हैं। जो जी अभी हमारे बीच से पहले हैं, अब पूर्णिमा दीदी भी हैं, रसिका बादल हैं, चित्र मिश्र हैं, आप हैं, आप इतने मतलब पहले हम लोग सुना करते थे कि पुराने जमाने में जब भजन होता भी कुमार गंधर्व गाए वो शास्त्रीय गाए थे, आप जैसे मंच के गाए भजन को आप आज के माहौल में आज की भक्ति है जितनी आपात आपी है उसमें भजन का क्या योगदान मान। भजन का योगदान ऐसा है जैसे मिश्री होती है, मिश्री खाओ तो मीठी हो, तो भजन कोई भी करे बस भजन भाव से होना चाहिए। और ठाकुर जी को रिझाने के लिए होता है वो असली भजन होता है, पब्लिक को रिझाने के लिए होता है वो दिखावा। सिंपल सी बात ये है बहुत साधारण शब्दों में कि यदि अगर आप मन में हो कि आप ठाकुर जी को रिझाना है तो बस वो फिर जब आप कोई भी गाएगा तो वो भजन सिद्ध भजन होगा, बाकी पब्लिक को रिझाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम थे। धन्यवाद आपको, आप मेरा बहुत बहुत बहुत।